दोस्तों, यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, इस बुक में गाइज आप लोग को मैं एक बार शो कर देता हूं। देखिए कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है सॉल्व दे रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, और ये जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं ये सॉल्व दे रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये बुक गाइज मैं कितने का लाया था, ठीक है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, और फुल रिव्यू आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। किस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं और लास्ट में किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक ना, एक्सप्लेन किया गया है। अब दो तीन क्वेश्चन पेपर मैं आपको शो करूंगा इस वीडियो में, ठीक ना। सारा तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको शो कर दूंगा, जैसे हिंदी के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइंस के कैसे पूछे गए थे। स्टूडेंट हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हिंदी के हमें बता दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग कि हिंदी के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको लगभग 4-5 क्वेश्चंस पेपर शो कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और लास्ट में बुक का प्राइस भी बताऊंगा, जो 2024 की तैयारी के लिए ही मैंने ये खरीदा है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन मैं आपको शो करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सारा मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। हिंदी का भी देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, वीडियो को रोककर भी आप लोग देख सकते हो। अब ये देखिए 7 जून 2023 को पूछे गए थे, इसमें टिक नहीं लगा है, जो जिसमें टिक लगा है वही मैं आपको शो करता हूँ। देख लीजिए ये है कब का, 11 जून 2023 का, इसमें टिक लगा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, और लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी शो कर दूंगा, सारे सॉल्व दे रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। मैंने दोनों ही बुक मंगवाया था, एक चाक्सु पब्लिकेशन की और एक यूनिक पब्लिकेशन की, जो आप देख रहे हैं, बट इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर सॉल्व दे रखे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो कोई सा भी बुक आप परचेज कर सकते हो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हो, क्योंकि देखिए गाइस 60 से 80% क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में वो रिपीट होते हैं पिछले साल के। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप लोग देखिए 2 बार एग्जाम हुए हैं बिहार में डीएलएड के, एक बार 2022 में हुआ था और एक बार 2023 में हुआ था। तो ज़्यादातर 2022 में क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वही 2023 में हूबहू उठाकर दे दिया गया है, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के, साइंस के। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10th लेवल के होते हैं। यहाँ पर आप लोग हिंदी के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये दोस्तों द्वितीय पाली का है, इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस शो करूंगा जो मैंने करवाया था, इंग्लिश के देख सकते हो। देखिए यहाँ पर साइंस के देखिए, एक ऑक्टेट का नियम वाला मैंने करवाया था आपको, आज ही करवाया है ये, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। साइंस में क्वेश्चन नंबर जो है ये है 49 आया हुआ है। और आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है एग्जाम में, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, साइंस के क्वेश्चंस करना है पहले, उसके बाद सोशल साइंस के, उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश के करना है, हिंदी के करना है, एंड रीजनिंग या मैथ में से दोनों में से कोई पहले कर सकते हो जो आपको आता है। मैथ के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब स्टूडेंट पहले मैथ के क्वेश्चंस करने में लग जाते हैं, उन्हें टाइम का पता नहीं चलता है, और बाद में टाइम नहीं बचता और बहुत सारे क्वेश्चंस करने को रह जाते हैं, जैसे साइंस के, हिंदी के, और आता हुआ क्वेश्चंस वो लास्ट में छोड़कर चले आते हैं मैथ की वजह से। और मैथ में कोई गारंटी भी नहीं है कि आपके इतने नंबर आएंगे 25 में से 25, लेकिन जो आता हुआ क्वेश्चंस अगर आप छोड़ के आओगे तो सोचिए
कितना नुकसान है आपका। तो इसलिए जो पहले आता है उसको कर लीजिए, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा कंप्यूटर में, आप पहले किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर की जो मैं ये बुक शो कर रहा हूँ ना यूनिक की, इसके सारे प्रैक्टिस सेट 2022 और 2023 के लगभग जो है 10-10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व दे रखे हैं, वो कर लेते हो ना काफी है आपका। लास्ट टाइम में अगर आप रिवीजन के लिए भी खरीदना चाहते हो तो 160 तक का तो नहीं, लगभग 180 तक का आपको मिल जाएगा, तो आप खरीद के रिवीजन भी कर सकते हो अगर आपका एग्जाम जो है थोड़ा लेट है तो, क्योंकि एक महीने एग्जाम चलेगा, 10-15 दिन का टाइम है आपके पास अगर, तो ये सबसे अच्छा तरीका है गाइस रिवीजन का। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिलेबस पर आधारित है और वही टॉपिक है जो पिछले टॉपिक, मतलब पिछले साल पूछे गए हैं, टॉपिक चेंज नहीं होता। इंग्लिश में जिस टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल उसी से आएंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको कर लोगे तो काफ़ी सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो 170-180 का मिल जाएगा, लेकिन ये